गुड मॉर्निंग राजे, टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू चेंज पंजाबी वर्ड्स इन इंग्लिश वर्जन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस ऑल आर फिनिश्ड। सो टुडे वी विल स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट, राइट। सो अपन करते हैं स्टेप वन टू और थ्री। स्टेप नंबर वन अपना टेंस, सेकंड स्टेप इज सेंटेंस, थर्ड स्टेप इज फार्मूला, फोर्थ स्टेप होता है मेकिंग, मतलब फार्मूले वर्ड का अपन बनाना शुरू कर देने हैं। जो अपना पंजाबी कम्युनिकेशन कन्वर्ट करनी हो उस वक्त, और पहला पहचान टेंस अपना ता ही लिखा कि अगर आप पहचाना नहीं। हम आप कर चुके हैं कि अगर हा लगे है हा लिखे तो प्रेजेंट, सी सन लिखे तो पास्ट, गगा लगे हुआ गा के लगे हुआ तो फ्यूचर है ना। अगर दत्ता भी लगे हुआ तो हा भी लगे हुआ तो प्रेजेंट डेफिनेट, अगर दत्ता तो ससा लगे हुआ तो पास्ट इंडेफिनेट, तो अगर उत्ते कल गगा लगे हुआ तो फ्यूचर डेफिनेट, अगर रहा तो गगा लग्या होया रहेगा रहन गए सो फ्यूचर कंटीन्यूअस है, ठीक है। इस तरह आप थोड़े थोड़े जिहड़े याद कर लेने, फिर आप इंग्लिश इंग्लिश जिहड़ा कन्वर्ट करांगे। पहला फिलहाल आप पंजाबी इंग्लिश करने की कोशिश करांगे, दो तीन दिन लगावांगे, ठीक। वो कार भी तुक्का है, हम देखो एंड पे है लिखे है, सो ये दसता है कि टेंस प्रेजेंट, पर प्रेजेंट कि आप एक कदम पिछे चुका चुका लिखे चुक में आप लम्मा बोल लिखा चुका आदि आवाज होती है, ठीक है। एक तो लिखा कीता कीता तत्ते की आवाज घट जानी है, आदि आवाज रह जानी है, इतने कक्के की आवाज चुका कक्के की आवाज जी हौली हौली घट जानी तो आप लम्मा बोलेंगे आवाज आनी आती। सो जो भी आवाज आ ए ई ती आवे, ठीक है, तो मगर हा हा शब्द है हन ऊ लग्या होवे तो फिर उन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। प्रेजेंट आई का पता लग गया, तो परफेक्ट पता लग गया अपने को आवाज़ तो कि आवाज तो आ ए ई, इस तरह की आवाज आनी जरूरी है। सो ये बन गया अपने प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। तो हम आप गल करिए सेंटेंस की, सेंटेंस के दस पता ही है कि वो कार खरीद चुका है, इस ना नैरगेटिव साइन लगे है तो ना ही नहीं शब्द की वरतों हुई है, इस करके ये सिंपल टेंसा तो सिंपल टेंस में आप बोल रहे हैं अफॉर्मेटिव जानी हाँ बात। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट के अफॉर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आप राइट आउट करते हैं, वो होंगे अपने सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की वर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस के लिए होता है कि हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। जिम्मे कहते होंगे कि हु इज अ परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट एक्सेप्ट गॉड, परमात्मा तो अलावा, ठीक है, सारे ही नाशवान ने, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट नहीं, सिर्फ एक ही परफेक्ट है, वो कौन है गॉड, ठीक है, मतलब सर्व शक्तिशाली। उस तरह टेंस के मुकाबले में भी सब तो शक्तिशाली परफेक्ट को ही मनिया जाता है, क्योंकि वर्ग की थर्ड फॉर्म लगती है, तो वर्ग दिन तीन ही फॉर्म होंगे ने फस्ट सैकेंड और थर्ड, और जिस वे सब तो वही फॉर्म लगेगी, इस करके अपने आप परफेक्ट हो गया। सो याद रखना कि नेम और टेंस इन विच थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड दैन आंसर शुड बी परफेक्ट, चाहे वह पास्ट परफेक्ट है, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट है, कि चाहे वह फ्यूचर परफेक्ट है, सारे वर्ग की थर्ड फॉर्म ही यूज होनी है। सो हमने आप चेंज करिए फार्मूला अपने सामने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के वर्ब आप लगने जाने हैं, वो हो गया अपने को सब्जेक्ट, कार अपने को हो गया ऑब्जेक्ट, तो खरीदना अपने को हो गया वर्ब। सो आप हमने करिए चेंज, वो कार खरीद चुका है, यानी कि कार खरीदने का काम हो चुका है पर होया हने हने, ठीक है। सो ओ हम है और है के बीच हाइफन लग्या होया, दो हेल्पिंग वर्ब ने इन्हां दे विचों इक लगाउणा हुंदा हैज, वन टू थ्री थ्री लैटर्स, वन टू थ्री फोर एप एच फोर लैटर्स चार अखर ने, सो हैव लगता हूँ सिंगुलर पर्सन के नाल, हैव लगता हूँ प्लूरल के नाल, बट आई नाल हमेशा ही है लगता है, भावें वो सिंगुलर तुम दस्या सी मैं, क्योंकि आई मतलब मैं, मतलब हंकार, जो हंकार आ गया तो बंदा इकला
नहीं रहता सुनिए वाला कहानी जी थानू याद करनी पाऊगी तो जल्द याद होगी। ही हैज खरीदना की हो गया बाय बॉट कार, ही हैज बॉट कार, वो कार खरीद चुका है। असी अपना काम खत्म नहीं किया है, नहीं लग्या होया, सो ये बन गया नैगेटिव वर्जन। नैगेटिव हम आप नैगेटिव वर्जन बनावे किमें बनावे, नैगेटिव वर्जन तो बाद नॉट पा लेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ग प्लस नॉट वर्ग डॉट कॉम प्लस ऑब्जेक्ट। असी आ गया सब्जेक्ट अपना काम आ गया ऑब्जेक्ट, खत्म करना हो गया अपने को वर्ग, नहीं हो गया अपने को एंड मतलब नॉट सब्जेक्ट। वही वही इज प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, सो वही यूज हैव, वही हैव फिनिश वर्ग के फर्स्ट फॉर्म अपना लगावे थर्ड एक से लगावे नॉट है ना, नॉट फिनिश वी हैव नॉट फिनिश अपना आवर वर्क, वी हैव नॉट फिनिश आवर वर्क, असी अपना काम खत्म नहीं किया है, वी हैव नॉट फिनिश आवर वर्क। इसको आवर नहीं बोलते, इन बोलते आर आर, ठीक है, वी हैव नॉट फिनिश आवर वर्क। सो कि तुसीं पार याद कर लिया है, कि तुसीं पार याद कर लिया है, सो या कि तुसीं इस बारे सीख रहे हो कि तुसीं पार याद कर लिया है। आ दी आवाज आती है, आ लगे है, सो प्रेजेंट परफेक्ट पर सेंटेंस अपने हो गया इंटरोगेटिव टू के विच क्वेश्चन पुट कर लिया गया। सो जो की शब्द लगा हो तब हेल्पिंग वर्ब अगे लिखते हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ग वर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव साइन आ गया। सो हैज है आप फिर लवेंगे फिर सब्जेक्ट ला दीजिए तुम पार्ट हो गया ऑब्जेक्ट या करना हो गया वर्ग सब्जेक्ट तुम आप बोल रहे थर्ड फॉर्म या करना लर्न इतने आ गया अपने थर्ड फॉर्म लर्न एन लर्न भी कहते हैं एन ई ए आर एन ई डी एन लर्न टी भी पर सकते हैं डैश यू यू हूँ की है तुम मतलब प्लूरल फॉर्म हो सो हैव यू लर्न लेसन मतलब लिखे आपका इतने अपना अभी तक आवा नहीं होना सी की होना सी हैव यू लर्न योर लेसन राइट एक हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट। सो ये फार्मूलाज वगैरह जो तुम नोट कर सकते हो अपनी कापी के उपर तो फिर प्रैक्टिस जिम्मे जिम्मे प्रैक्टिस करी जाएगी उस तरह तो समझ लग जाएगी। थैंक यू।